Hello children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to continue chapter 10, play with pattern, part 2. Today we are going to see some mathematical pattern. This chapter is based on all pura jo chapter jo hai wo based on pattern, means mathematical, alphabetical, numerical, right? So पूरा जो चैप्टर है पूरा पैटर्न से है और हमें पैटर्न के साथ प्ले विथ पैटर्न, उसका चैप्टर का नाम ही प्ले विथ पैटर्न है, मीन्स यहाँ पे हमें पढ़ाई नहीं करनी है, बस ओनली मैजिक और नंबर, बस नंबर दिमाग में रखना है और हमें काम करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न है और ये जो चैप्टर है वो पूरा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज पैटर्न जो है वो हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, जीके की एग्जाम होती है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है इससे, क्योंकि आपको फास्ट काउंटिंग करनी पड़ेगी और आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ ये कैसे करूँ ये कैसे करूँ, तो आपका जो माइंड है वो भी उसकी जो मेमोरी पावर है जो वो भी आपका बढ़ता है, राइट? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 की पैटर्न दी गई है, तो आप पहले चेक करते हैं 1 2 3, राइट? अब यहाँ पे देखिए 1 3 2 3 1 2 2 1 3 1 2 3, मीन्स ये लाइन आप चेक करोगे, सब लाइन चेक करोगे तो सब नंबर है, 1 2 3 नंबर है, पर कोई भी नंबर 2 टाइम नहीं है, 1 2 3 बराबर, फिर यहाँ पे 3 2 1, मीन्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर बाकी नहीं रहता है, इस तरह से यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो आपको सेम वे यहाँ पे पी क्यू आर अरेंज करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट पी क्यू आर, पहले मैंने पी क्यू आर मैंने लिख दिया। अब सेकंड रूम में क्या करना है, जहां पे पी है वहां पे, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी मैं पी क्यू आर लिख सकती हूँ, पी क्यू आर, राइट? अब यहाँ देखो क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू है, अब यहाँ दोनों में क्यू है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पी और आर चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पे आर है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पी, और यहाँ पे क्यू है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आर, तो R P, यहाँ पे देखो Q R, अब यहाँ P Q R हो गया, फिर यहाँ पे Q R आ गया, तो बाकी क्या रहा, P बाकी रहा, और यहाँ पे R एंड P है तो बाकी क्या रहा, Q। इस तरह से आप पैटर्न कर सकते हो, आपको इस तरह से आप घर पे HW के अंदर A B C X Y Z इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो आपको ये आपका होमवर्क है, A B C एंड X Y Z का आपको HW में करना है, राइट? नाउ सी मैजिक पैटर्न, अब यहाँ पे नंबर है 1 to 7 नंबर है और टोटल 12 है, तो आपको नंबर इस तरह से अरेंज करने हैं यहाँ पे 1 से 7 नंबर कि उसका टोटल, कहीं से भी आप काउंटिंग करो तो उसका टोटल आपको कितना मिले, 12 मिले। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 1 to 7 है, बराबर? तो कहीं पे भी एक जगह पे पहले एक नंबर लिख दो, जैसे कि मैंने मिडल वाला नंबर लिख दिया, यहाँ 4, मैंने मिडल में 4 लिख दिया, बराबर? अब 4 है, अब 4 के बाद मुझे क्या चाहिए, तो टोटल मुझे क्या करना है, 12 करना है, तो 4 है, अब 12 में से 4 माइनस करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, बराबर? अब 8 के लिए आपको सोचना है कि 8 जो नंबर है उसमें कौन कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, तो या फिर 7+2 करोगे, या फिर 6+2 करोगे, या फिर 5+3 करोगे, बराबर? तो यहाँ पे लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो 6+4 10, 10+2
12 हो गया। अब दूसरी टाइप जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 है, 4 है, फिर मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 भी लिखा था, मुझे क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 7। तो 7 प्लस 4 क्या आएगा, 11, और 11 प्लस 1 12, राइट। अब बाकी क्या रहा, कौन सी पेयर बाकी रही, 4 है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3। तो 4 प्लस 7 4 प्लस 3 7, और 7 प्लस 3 क्या होगा, 7 प्लस 5 12, राइट। समझ में आया, पहले मैंने इधर में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर 12 में से 4 मैंने माइनस किया तो क्या आया, 8 आया। अब 8 की जो जो पेयर है वो मुझे अरेंज कर लेनी है। समझ में आया, तो मैंने 8 की कौन सी पेयर अरेंज की, 6 प्लस 2, 7 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3, राइट। तो पूरा मुझे मिल गया, इस तरह से आपको करना है, राइट। अब यहाँ पे भी सेम वे, यूज द नंबर 1 to 9 एंड रूल दैट द नंबर्स ऑन ईच लाइन एड अप टू 15। अब यहाँ पे 15 करना है मुझे, तो जो भी लाइन अरेंज की है वो लाइन का एडिशन जो है वो 15 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी मैं पहले बीच में लिख देती हूँ 9। अब 9 के बाद 15 में से 9 माइनस कर दो, तो 15 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। तो अब मुझे 6 लाना है सब जगह पे, बराबर, ये लाइन में, ये लाइन में मुझे 6 लाना है। पहले तो ये दो, ये आप कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दूसरा मिल जाएगा। तो 9 के बाद, 9 के बाद मुझे 6 लाना है, तो 6 के लिए क्या क्या ऑप्शन है, 5 प्लस 1, फिर 4 प्लस 2, राइट। तो पहले 5 प्लस 1 कर देते, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तो 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 1 15, हो गया। नाउ सी, नाउ यहाँ पे है 9, तो अब मैं यहाँ पे कौन सी पेयर लिखूंगी, 4 प्लस 2, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 9, या 9 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4, हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ का सोचना है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, राइट। तो 15 में से 2 माइनस करो, 15 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, 13। अब मुझे यहाँ पे 13 का सोचना है, बराबर। तो 13 के लिए मैं क्या करूंगी, 13 में 6 प्लस 7 जो नंबर बाकी रहे वो सोचना है, 1 2 4 5 हो गया है, राइट। तो मेरे पास अब नंबर 1 से बाकी रहे हैं, 6 बाकी रहा, 7 बाकी रहा, 3 बाकी रहा, 8 बाकी रहा, राइट। तो पहले मैं क्या करूंगी, अब 7 प्लस 3 करोगे तो 10 हो जाएगा, 7 प्लस 8 करोगे तो 15 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 6 और यहाँ पे लिखूंगी 7, तो 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 7 15, राइट। अब इजी हो गया, अब 7 प्लस 5 क्या है, 12। तो अब कौन सा नंबर बाकी रहा हमारे पास, 3 बाकी रहा, राइट। और 4 प्लस 3 7, तो अब बाकी क्या रहा, 8 बाकी रहा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 8। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से देखो, अब 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 5 प्लus 3 8, 8 plus 7 15, राइट चिल्ड्रन। तो इस तरह से 15 का दिया। सेम वे यहाँ पे यूज द नंबर, ये जो है आपका टेक्सटबुक का पजल है, यहाँ पे ये जो है वो आपका वर्कबुक का पजल है। यूज द नंबर 2 to 11, 2 से 11 में कोई भी नंबर यूज करके आपको टोटल 20 लाना है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, बीच में पहले कोई भी हम नंबर लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये नंबर ये ऐसे जाना है, तो जैसे कि मैंने पहले बीच में लिख दिया 8, राइट। तो 8 के बाद अब 20 में से 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 12। अब 12 के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, तो 12 के लिए, 12 के लिए क्या आएगा, 7 प्लस 5 12, और 6 प्लस 6 12। तो ये दो मैं पहले अरेंज करूंगी, 6 प्लस 6 12, और यहाँ पे
सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, तो यहाँ पे सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, राइट। अब यहाँ पे सिक्स है तो ट्वेंटी में से सिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा फोर्टीन। अब फोर्टीन को मुझे अरेंज करना है तो फोर्टीन के लिए सेवन प्लस सेवन बराबर, तो यहाँ पे एक सेवन तो है तो यहाँ पे मैं सेवन नहीं ले सकती, तो मैं क्या करूंगी, फोर्टीन है तो हम कोई भी टेन प्लस फोर, इलेवन प्लस थ्री, नाइन प्लस फाइव करें हम। अब यहाँ पे फाइव आ गया है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इलेवन और थ्री, तो सिक्स प्लस थ्री नाइन और नाइन प्लस वन नाइन प्लस इलेवन, सो क्या मिलेगा ट्वेंटी। अब यहाँ इजी हो गया, सेवन प्लस थ्री टेन, तो टेन ट्वेंटी करना है तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी हो गया। नाउ सी टेन प्लस सिक्स, तो यहाँ पे सिक्सटीन, तो कौन सा नंबर बाकी रहा फोर, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन नंबर है तो कोई भी एक दो नंबर आपका यहाँ से देखो टू टू नाइन मीन्स टेन नंबर है, पर यहाँ पे हम टेन नंबर अरेंज नहीं कर पाएंगे, नाइन नंबर अरेंज कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका टू नंबर नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। नाउ सी मैजिक ट्रायंगल, सेम है यहाँ पे जैसे फिफ्टीन है ट्वेंटी है, यहाँ पे ट्राइंगल, और ट्राइंगल में यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए नाइन, तो एक जो ये आपको टेक्स्ट बुक में और वर्कबुक में दोनों में दिया गया है, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, टू प्लस सिक्स एट, एट प्लस वन नाइन, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो तीनों साइड का ये तीनों साइड का इसका टोटल करोगे तो नाइन होगा, इसका टोटल करोगे तो नाइन होगा, और इसका टोटल करोगे तो भी नाइन आएगा। सेम वे यहाँ पे वन टू सिक्स नंबर आपको अरेंज करना है और टोटल क्या लाना है टेन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वन टू सिक्स ही नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहाँ पे भी यही नंबर है पर आपको टोटल क्या लाना है टेन लाना है, यहाँ पे भी यही नंबर है वन टू सिक्स पर टोटल आपको क्या लाना है ट्वेल्व। तो नंबर खाली आप एक डिफरेंट वे से अरेंज करोगे तो आपको टोटल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, कोई भी एक नंबर हम पहले लिख देते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्री, राइट। अब टेन में से मुझे पहले क्या करना है, थ्री माइनस करना है तो क्या आएगा सेवन। अब सेवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेवन के लिए क्या होगा, तो सिक्स प्लस वन सेवन होगा, फोर प्लस थ्री सेवन होगा, या फिर फाइव प्लस टू सेवन होगा, बराबर। पर थ्री मैंने ले लिया है तो मुझे थ्री फोर प्लस थ्री में नहीं ले सकती, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिक्स प्लस वन, एक तरफ सिक्स प्लस वन सेवन होगा और दूसरी तरफ टू प्लस फाइव सेवन हो गया। अब यहाँ देखो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव सॉरी हाँ सॉरी टेन ही लाना है ना, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस वन टेन। अब यहाँ देखो फाइव प्लस वन तो सिक्स हो गया, तो अब कौन सा नंबर बाकी रहा फोर, तो सिक्स प्लस फोर टेन हो गया टेन। नाउ सी वन टू सिक्स नंबर यूज करना है और टोटल आपको क्या लाना है ट्वेल्व लाना है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं एक यही करूंगी, एक नंबर बीच में लिख दूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया फोर। अब ट्वेल्व में से फोर माइनस करोगे तो क्या आएगा एट। अब मुझे एट के लिए क्या होगा, सिक्स प्लस टू एट होगा, फाइव प्लस थ्री एट होगा, फोर प्लस फोर एट होगा, राइट। पर फोर प्लस फोर में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फोर है, तो मुझे पैर कौन सी लेनी पड़ेगी, सिक्स प्लस टू, तो यहाँ पे टू और यहाँ पे सिक्स, तो फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, और यहाँ पे फोर प्लस थ्री सेवन और सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व। अब यहाँ पे देखो सिक्स प्लस फाइव इलेवन, तो विच नंबर लेफ्ट ओनली वन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट। यहाँ पे भी देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बट ओनली नंबर को मैंने डिफरेंट वे से अरेंज किया तो मुझे यहाँ पे टोटल टेन मिला, यहाँ पे टोटल ट्वेल्व मिला, यहाँ पे टोटल नाइन मिला, राइट। तो इस तरह से आप भी कोई भी डिफरेंट वे से आप ट्राई करो और पैटर्न को एंजॉय करो, इस तरह से आप अपने आप
खुद भी पैटर्न बना सकते हो, फ्रेंड्स को दे सकते हो, और टाइम आपका टाइम और यहाँ पे आप पैटर्न के साथ मतलब खेलते खेलते आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ट्राई इट स्टूडेंट, बाय बाय।